मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म। शहर में चामिंद्रा नासिक रोड इलाके में पो गांव का मेरे ठीक पीछे ये बड़ा मैदान है। इससे पहले मेरे दाहिने हाथ की तरफ इज्तिमा हुआ था और अब मार्च में 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को यहाँ मेरे सहयोगी आसिफ अंसारी से कहूँगा कि वो दृश्य दिखाएं वहाँ का। 8, 9 और 10 मार्च 2019 को यहाँ भिवंडी से लगकर तालुका पुलिस स्टेशन की हद में ये इज्तिमा होने जा रहा है। ये पोगांव क्षेत्र है और लगभग 80% तैयारी यहाँ हो चुकी है। मेरे दाहिनी तरफ का जो ये दृश्य है, ये रास्ता, ये रोड नासिक के लिए जाता है। मुंबई से आने वाले जो बाहरी लोग होंगे, या ठाणा से आने वाले, या कल्याण से आने वाले, या नासिक से, या शाहपुर से, या पड़गा से आने वाले लोगों की जो पार्किंग होगी, कश्मीरा ढाबे के पास, कश्मीरा ढाबे का जो सामने का हिस्सा है वो पार्किंग नंबर 1 है। इसलिए नासिक रोड पकड़कर मुंबई या नासिक से आने वाले जो लोग हैं अपनी गाड़ियों को यहाँ लगाएंगे। और कश्मीरा ढाबे के ठीक सामने जो पार्किंग नंबर 1 है, उसके ठीक पीछे बाजू से एक रास्ता जाने के लिए है न्यू एरा इंग्लिश स्कूल, ये पार्किंग नंबर 2 है। बताने का मकसद ये है कि मुंबई से या नासिक रोड से या बीच के किसी भी ठिकाने से अगर कोई आ रहा है तो मेरे दाहिने हाथ की तरफ का ये दृश्य है, ये रास्ता, इनकी पार्किंग यहाँ होगी। और मेरे ठीक बाईं तरफ अगर भिवंडी शहर से कोई आ रहा है, या पालघर साइड से कोई आ रहा है, या ऐसे किसी पट्टे से आ रहा है खारबाव से जिसमें भिवंडी बीच में आता है, तो ये रास्ता है चामिंद्रा की तरफ जाता है। और पार्किंग नंबर 2 यहाँ एक ढाबा है ग्रीनलैंड होटल के नाम से। ग्रीनलैंड होटल के ठीक बाजू में जो खाली ज़मीन है, ये पार्किंग नंबर 3 है। और उसके ठीक सामने जो फॉरेस्ट की जगह है, ये पार्किंग नंबर 4 है। कहने का मतलब ये कि भिवंडी शहर में इस इज्तिमा में आने वाले जो लोग हैं, करिश्मा ढाबा के सामने अपनी गाड़ियाँ, चाहे कार या बाइक या लारियाँ, वहाँ छोड़ें, वहाँ खड़ी करें। और भिवंडी की तरफ से जो लोग भी आने वाले हैं, वो चामिंद्रा क्षेत्र में ही ग्रीनलैंड होटल के पास अपनी गाड़ियाँ, बाइक, लारियाँ जो भी हैं वो खड़ी करें, ताकि इस इलाके में गाड़ियों की, लारियों की कोई गर्दी ना हो। ख़ास बात इस इज्तिमा में ये कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का इज्तिमा है। भिवंडी वालों ने यहाँ बड़ा काम संभाला हुआ है और लगभग 80% काम यहाँ हो चुका है। भिवंडी वालों के लिए 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख तीनों दिन का इज्तिमा भिवंडी वालों के लिए, मगर बाहर से आने वालों के लिए 9 और 10 का तारीख का दिन दिया गया है। तो ये इस प्रोग्राम के, इस इज्तिमागाह के लिए पूरी जानकारियाँ थी। मैं मेरे सहयोगी आसिफ अंसारी से कहूँगा कि ये दृश्य दिखाएं। इज्तिमागाह का ये हिस्सा है और लगभग यहाँ 80% तैयारी हो चुकी है। बच्चे यहाँ बड़ी मेहनत से 24 घंटा काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से आए हों, मगर भिवंडी शहर वालों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इनके लिए बहुत ही एक बड़ा तोहफा है कुदरत का, जो भिवंडी शहर के इस इलाके में दूसरी बार यहाँ ये इज्तिमा हो रहा है। यहीं बाजू में भी इसके पहले इज्तिमा हुआ था। देखा जाए तो भिवंडी शहर से आने वालों के लिए मेरी समझ से यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होगी। यहाँ ढाबे वगैरह सब मौजूद है, खाना, रुकना, ठहरना जो भी है, और इन लोगों को सहूलत भी होगी। और ये इतना बड़ा इलाका है, यहाँ भी जगहों की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मैं इज्तिमागाह से, भिवंडी चामिंद्रा नासिक रोड से, खान फखरे आलम और मेरे सहयोगी आसिफ अंसारी के साथ।